हेलो प्यारे बच्चों बच्चों, हम सभी ने मिलकर 5.2 के मोस्टली क्वेश्चंस कवर कर लिए थे और अब लास्ट कुछ दो चार क्वेश्चन और रह रहे हैं। आज उनको खत्म करा के मेरा पूरा वादा है आपसे कि मैं सम ऑफ एपी तक आपको ले आऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं सबसे पहले बच्चों 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन लिखा है हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कह रहा है तीन डिजिट के कितने नंबर 7 से डिवाइड हो जाएंगे। अब देखो, ये क्वेश्चन इतना अच्छा है कि इसमें एक ही कंसेप्ट बताऊंगा और वो हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा। मतलब चाहे डिविजिबल बाय 7 बोले, चाहे डिविजिबल बाय 8 बोले, 9 बोले, 10 बोले, ठीक है, आपसे कोई भी नंबर बोले, 21 बोले, 22 बोले, 25 बोले, 41 बोले, कोई सभी नंबर बोले, यही सेम मेथड लगाना है जो मैं अभी आपको कराने जा रहा हूं। यानी आपको अगर जब भी थ्री डिजिट का बोल दे, फोर डिजिट का बोल ले, किसी भी डिजिट का बोल दे, बस आपका डिविजिबल वाला जो कंसेप्ट है वो ऐसा यहाँ पे कंसेप्ट मैं पक्का कर दूंगा कि कोई भी चीज आ जाए आप तुरंत कर दोगे। लेकिन एक बात याद रखना, ये डिविजिबल के साथ साथ मल्टीपल के लिए भी अप्लाई किया जाएगा। ऐसा मत सोचना कि अगर डिविजुअल लिखा हुआ है तो कोई और आ गया और मल्टीपल लिखा हुआ गया तो कोई और। चाहे डिविजुअल लिख के दे दे, चाहे मल्टीपल लिख के दे दे, कंसेप्ट ऐसा बता रहा हूं कि दोनों में अप्लाई कर जाएगा। जैसे उसने क्या बोला कि भाई थ्री डिजिट के ऐसे नंबर बताओ, ऐसे नंबर की एपी है हमारे पास, ऐसे नंबर की एपी बताओ कि जो 7 से डिवाइड हो जाए। यानी तीन डिजिट की ऐसी एपी, तीन डिजिट की ऐसी एपी जो 7 से डिवाइड हो जाए। 7 से डिवाइड का मतलब 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अगर बात कर रहा है तीन डिजिट की, तो सबसे पहले ये चेक करो, क्योंकि तीन डिजिट में छोटे नंबर भी होते हैं तो तीन डिजिट में बहुत बड़े नंबर भी होते हैं। तो आप सबसे पहले ये चेक करो, देखो जरा बताना मुझे, ये बताओ दो डिजिट की सबसे छोटे नंबर कौन सा होता है? तो 10। और सबसे बड़ा नंबर कौन होता है? 99। सबसे छोटा तीन डिजिट का नंबर कौन होता है? 100। और सबसे बड़ा नंबर कौन होता है? 999। चार डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन होता है? 1000। सॉरी, सबसे छोटा। और चार डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन होता है? 4×9। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्या देखा कि जितने डिजिट का छोटा नंबर होगा, ठीक है, वन लगा के 0, अगर थ्री डिजिट का है तो 1 और 2 0, फोर डिजिट का है तो 1 और 3 0, ठीक है। और बाकी अगर लार्जर डिजिट पूछा है, सबसे बड़ी डिजिट पूछा है, तो बस उतनी ही बार 9, उतनी ही बार 9। अच्छा, अब बात क्या है, अब ध्यान से सुनना, मैं जो समझाने जा रहा हूं, आपको जो एपी बनानी है वो इस प्रकार की एपी बनानी है जो 7 से डिविजिबल हो। इस तरह की एपी बनाओ जो 7 से डिविजिबल हो। डिविजिबल मतलब उसका मल्टीपल भी हो, क्योंकि जब मल्टीपल होगा तभी तो डिवाइड हो पाएगा, ये बेसिक सी बात है। चलिए चेक करते हैं। तो अब उठाना है तीन डिजिट वाले डिजिट को, उठाना है। तो बच्चों तीन डिजिट तो यहां से लेके यहां तक के बीच में आएगी, लेकिन अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये 7 से डिविजिबल वाली एपी है। तो यहां पर लिखेंगे द एपी विच इज डिविजिबल बाय 7, एपी जो 7 से विभाजित हो, 7 से विभाजित हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे छोटे वाले डिजिट को उठाओ तीन डिजिट की, तो 100। किससे डिवाइड करना है? 7 से करना भाई। 7×1=7, 3 0, 7×4=28, बचा कितना? 2। अब लो भाई, ये तो पूरा कैंसिल हुआ ही नहीं, क्योंकि 7 से डिविजिबल का मतलब ये है कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, लेकिन डिवाइड तो हुआ नहीं। तो बच्चों याद रखना, जब हम स्मॉल नंबर, छोटे नंबर को उठाते हैं और डिवाइड में जो भी रिमाइंडर बच जाता है, तो हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं और जो रिमाइंडर बच गया, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। जिससे डिवाइड कर रहे हैं और जो हमारा रिमाइंडर आया है, हम इन दोनों के बीच का क्या निकालते हैं बच्चों? हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। ध्यान से सुनना, जिससे डिवाइड कर रहे हैं जो रिमाइंडर बचा है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं जो रिमाइंडर बचा है, तो इनके बीच का गैप कितना आ गया? 5। तो जो भी इनके बीच का गैप आया है वो इसके साथ ऐड कर दो, 100 के साथ, यानी जिस भी नंबर से आपको डिवाइड किया है छोटे वाले नंबर में ऐड कर दो। तो भाई दोनों के बीच का गैप कितना है? 5। 5 को 100 में ऐड करो, तो आपका जो एपी का पहला नंबर बनेगा बच्चों वो बनेगा 105।
वो क्या बनेगा आपका 105। अब आगे बढ़ाओ इसको, तो भाई जब 7 से डिविजल है तो 7 7 आगे बढ़ेगा, तो 112, फिर आगे बढ़ेगा 119, इस तरीके से करते करते एंड पे आ जाएंगे। तो कितने पे आ जाएंगे एंड पे? 999 पे। अब 999 को भी ऐसे डिवाइड करके देखो, 999 को डिवाइड करो बच्चों, 7 से 7 वन जा 7 2 9, 7 4 जा 28 1 9, 7 2 जा 14 बच गया 5। अब यहां भी रिमाइंडर बच गया, तो यहां पे तो हमने रिमाइंडर और डिवाइजर का गैप देखा था, मतलब भाज्य भाजक और उसका विभाजक और किसका भाई, शेषफल के बीच का अंतर देखा और उसमें जोड़ दिया। लेकिन इस बार पता है क्या करना है, बड़े नंबर में ये स्मॉल नंबर का था और लार्ज नंबर में, लार्जर नंबर में क्या करना बच्चों, लार्जर नंबर में जो भी रिमाइंडर बच गया उसे डायरेक्ट इसी में से माइनस कर दो, जो आपका 999 था उसी में से डायरेक्ट माइनस कर दो। किसको? रिमाइंडर को। तो 999 में से 5 माइनस करोगे तो आखिरी में क्या आएगा, 994। क्या आएगा? 994। ध्यान रखना स्मॉल वाले में इसका और इसका गैप देख के ऐड कर दो, और लार्जर वाले में बड़े वाले नंबर में से रिमाइंडर वाला माइनस कर दो, आंसर आ गया आपके सामने। ठीक है, तो ये बन गई आपकी एपी। तो बस एपी में हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, पूछा कि कितने नंबर, कितने ऐसे नंबर होंगे 3 डिजिट नंबर के बीच में जो 7 से डिवाइड होंगे। तो चलिए चेक करते हैं, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो सबसे आगे होता है वही फर्स्ट टर्म होता है। कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, ए टू माइनस ए वन करने की जरूरत नहीं है, 7 से डिविजल है तो 7 ही होगा। और लास्ट टर्म, अंतिम पद, बच्चों अंतिम पद जो है वो आपको अभी अभी आपने खुद खोज के निकाला 994। नाउ अब लगाओ फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए एन कितना है 994, ए कितना है 105, एन कितना है नहीं पता, डी कितना है 7। बच्चों 994 माइनस 105 बराबर एन माइनस 17। हाँ भाई, ये प्लस का था, इधर आके माइनस, 14 में से 5 गया 9, 8, 9 में से 1 गया 8 बराबर एन माइनस 17। 7 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, और 7 7 जा 1, 7 7 जा 49, तो 127 आ गया बच्चों। माइनस को 1 उठा के इस तरफ ले आओगे तो 127 प्लस 1 एन, तो यानी एन की वैल्यू आ गई 128। क्या आ गई वैल्यू? 128। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये डिविजुअल वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। अब जल्दी से मुझे यही सेम क्वेश्चन करके दिखाओगे, लेकिन अब की बार डिविजुअल बाय आप किससे करके दिखाओ, किससे पूछ लूं, चलो 13 से करके दिखाओ। यही सेम क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन करके दिखाओ कि 13 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है। चलो पहले इसको नोट करो, वीडियो पॉज करके 13 से डिविजिबल वाला दिखाओ मुझे करके। चलिए वीडियो पॉज करके आपने इसे नोट कर लिया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने 13 से डिविजिबल वाला क्वेश्चन भी ट्राई करके देखा होगा। अब जिसने नहीं किया उसके लिए मैं यहां पे करके दिखा रहा हूं कि आखिरकार उनकी एपी क्या बनी होगी। तो हाँ भाई, 3 डिजिट का नंबर है, डिविजिबल किससे करके देखना, 13 से। तो चलो भाई पहले 100 को करेंगे, 13 से करो। तो भाई 13 7 जा कितना होता है 91, तो कितना आ गया 9। हाँ जी, तो मैंने क्या बताया था, छोटी डिजिट के लिए क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का गैप। तो 13 और 9 का गैप कितना है भाई, 4, तो 4 को इसमें ऐड कर दो, तो यानी कि आपका जो एपी बनेगा वो क्या बनेगा भाई, शुरुआत 104। अब सॉरी भाई, मल्टीपल डिविजुअल किसका चाहिए, 13 का डिविजुअल चाहिए, तो बस सब में 13 13 13 ऐड करते चले जाओ, जितना जितने का भाई मल्टीपल चाहिए उतना ही ऐड करते चले जाओ। तो 117 130 डैश डैश डैश, अब देखते हैं लास्ट में क्या आता है। तो लास्ट में देखो भाई 999, 13 से करके देखो, 13 7 जा 91 8 और ये 9, 13 6 जा 78, तो कितना आ गया 11। तो बस डायरेक्ट बच्चों 11 उसमें से ऊपर वाले में से माइनस कर दो, तो 999 में से 11 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ, यहाँ आ जाएगा 988। कितना आ जाएगा 988, 11 माइनस करने पर। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, हाँ 11 माइनस करने पे। तो बस बात खत्म, अब आपको क्वेश्चन करना है। तो फर्स्ट टर्म आपका 104, डी आपका 13 रहेगा, ये आपका 1988 रहेगा। बस यहाँ से सॉल्व कर दो, यहाँ से सॉल्व कर दो, तो 988 104 एन माइनस 1 डी की जगह पे 13। तो ये इधर आके 988 माइनस 104 एन माइनस 1 13। तो भाई 8 में 4 गया 4, 8 9 में 8 गया है, तो माइनस कर दिया 13, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा डिवाइड,
तो भाई 13 6 जा 78, 10, तो कितनी बारी में गया? 13 6 जा और 13 8 जा, ठीक है, 13 8 जा 104, तो यानी कि 68 n-1, और माइनस वन इधर आके क्या बन जाएगा? प्लस का 1, तो n बराबर आ गया 69, n बराबर क्या आ गया? 69। तो बच्चों इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलो नोट कर लो इसे जिन्होंने नहीं किया। चलिए नोट कर लिया, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा हाउ मेनी मल्टीपल, लो जी अब इसने पूछ लिया मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 to 250। कह रहा बताइए कि ऐसे कितने 4 के मल्टीपल हैं जो 10 से 250 के बीच में आते हैं। तो बस बात खत्म भाई। हाँ जी, एन ए पी विच इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड लाई बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है भाई, एक एपी जो 4 का गुणज है और 10 से 250 के बीच बीच आता है, 10 से 250 के बीच। तो लो जी एपी शुरू करते हैं। हाँ जी, तो अब की बार छोटा नंबर आपको पहले ही दे दिया गया है, छोटा नंबर आपको क्या दिया गया है? 10, और किसका मल्टीपल पूछा है? 4 का। तो चलो जी 4 2 8, तो कितना कितना बच गया? 2। अब मैंने क्या बताया था, छोटे डिजिट में इन दोनों का गैप देखते हैं, तो 4 और 2 का गैप 2, 2 को इसमें ऐड कर दो, तो 10 और 2 कितना हो गया? 12। सही बात है भाई, 12 4 का डिविजल होता है। अब 4 4 का गैप है तो बढ़ा दो 4 4 डैश डैश डैश। अब लास्ट नंबर क्या है? 250, तो 250 को भी 4 से डिवाइड करो भाई, 4 से करो, 4 6 24 बच गया 1, नीचे 0, 4 2 8 बच गया 2। और मैंने क्या बताया था, बड़े नंबर में जो रिमाइंडर आता है वो डायरेक्ट माइनस करते हैं, तो 250 में से 2 गया, कितना आ गया? 248। तो बस बात खत्म। आपको फर्स्ट टर्म पता ही है, प्रथम पद 12, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी वो तो 4 है ही, और लास्ट टर्म मतलब ए एन 248। नाउ तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन आपके पास 248, ए है आपके पास 12, एन हमें पता नहीं, डी हमारे पास 4। 248 प्लस का 12 इस तरफ आके माइनस का 12, और ये हो गया 6 3 2, एन माइनस 1 4, 4 मल्टीपल इधर आके डिवाइड, तो 4 5 20 और ये 36, तो ये 59 प्लस 1 बराबर एन, एन बराबर 60 करो, तो नंबर कितना हो गया? 60। करो नोट करो बच्चों इसको, 14 को फिर हम करते हैं, 15 16 हमने कर ही लिया, 17 कराता हूं। चलो मिटाऊं, अब आता क्वेश्चन नंबर 17, 15 16 मैंने करा दिया था। कह रहा फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी 3A13। लो जी द गिवन एपी इज, दिया गया
एपी है। हाँ जी, एपी क्या दी गई है आपको? 3, 8, 13 और ये 250। 250 नहीं, सॉरी, 253। बच्चों सिचुएशन थोड़ी खराब। कैसे? कह रहा फाइंड द 20th टर्म, फाइंड द 20th टर्म। बच्चा बहुत खुश कि भाई 20th टर्म निकालने के लिए बोला, एपी पहले से ही पता है, इसे चुटकियों में काम है जाएगा। लेकिन फिर आगे जब हमने पढ़ाई की तो देखा धोखा हुआ है कि भाई 20th टर्म तो निकालना है लेकिन फ्रॉम द लास्ट टर्म। मतलब समझो, एक लाइन में बच्चे खड़े हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब अगर बच्चों मैं यहां से गिनती शुरू करता हूं, ध्यान देना, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है। लेकिन भाई यहां से स्टार्टिंग है और ये एंडिंग, हमने गिनती भाई यहां से शुरू कर दी। लेकिन अब की बार वो बोल रहा है कि फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, यानी एपी के लास्ट से 20वां। मतलब अब आप एपी की गिनती यहां से शुरू करो, तो अब ये क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपने क्या देखा बच्चों कि इधर से जब गिनती हमने शुरू की तो इन सबका प्लेस कुछ और आया, लेकिन प्यारे बच्चों जब मैंने काउंटिंग वहां से शुरू की तो इन सब का प्लेस कुछ और आया। यानी आप देख रहे हो कि जो स्टार्टिंग में एक नंबर पे था, एंडिंग से गिनती शुरू करने पे वो 10th नंबर पे आया, स्टार्टिंग से काउंट करने पे जो 6 नंबर पे था, एंडिंग से काउंट करने पे वो 5th नंबर पर है, स्टार्टिंग से काउंट करने पे जो 8th नंबर था, एंडिंग से शुरू करने पर वो 3 नंबर पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उनका प्लेस चेंज हो गया कि नहीं हो गया? अब प्लेस ऐसा भी नहीं आप लगा सकते कि पता कि हाँ भाई रिवर्स हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल प्लेस में बहुत ज्यादा हद तक डिफरेंस है, इनके प्लेस में क्या है, बहुत ज्यादा हद तक डिफरेंस है। ठीक है, अब मैं रीजनिंग तो पढ़ा नहीं रहा कि मैं बता दूं हाँ भाई ये तो रिवर्स हो गया तो सबका सम 11 11 11 11 11 11 सम होगा, तो ऐसा भी नहीं है। हम रीजनिंग नहीं पढ़ रहे हैं, हम एपी पढ़ रहे हैं। तो बस बच्चों इतनी सी बात आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि जब स्टार्टिंग, मैं इसमें बस यही समझाना चाह रहा हूं कि जब भी आप किसी सीरीज की, किसी एपी की काउंटिंग शुरू करते हैं, तो जब भी स्टार्टिंग से करेंगे काउंटिंग शुरू और जब भी एंडिंग से करेंगे काउंटिंग शुरू, तो आपको एक चीज साफ साफ दिखाई दे जाएगी। क्या? कि स्टार्टिंग वाली चीज जो अभी यहां से है, एंडिंग से शुरू करने पे वो भी एंड जैसा दिखेगा, और स्टार्टिंग से जो चीज एंडिंग पे है वो एंडिंग से शुरू करने पे कितने नंबर पे दिखेगा, फर्स्ट पे। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मतलब अगर मैं यहां से काउंटिंग शुरू करता हूं तो ये वाला हिस्सा 10th नंबर पे आ रहा है, लेकिन पीछे से शुरू कर रहा हूं तो ये नंबर किस पे आ रहा है, पहला। तो मतलब अगर हम काउंटिंग किसी कहीं से शुरू करते हैं तो एक चीज आती है फर्स्ट नंबर पे, एक चीज आती है लास्ट नंबर पे, लेकिन अगर हम काउंटिंग लास्ट से शुरू करें तो वो लास्ट वाला कौन से नंबर का हो जाता है, पहले नंबर का, और पहले वाला कौन से नंबर का हो जाता है, लास्ट नंबर का। बस ये बात आपको मेन जाननी। यहां तक बात समझ में आ गई? चलो अब देखो, अब कहने का मतलब क्या है, उसने बोला कि भाई जो आपके पास एपी हम दे रहे हैं ना, उस एपी का लास्ट से 20वां टर्म बताओ। क्या बताओ? लास्ट से 20वां टर्म। तो बस बात खत्म। अब देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो एपी आपको पहले चेक करो, आपको हमेशा ये चेक करना है कि एपी बढ़ रही है या एपी घट रही है, आपको ये चेक करना है एपी बढ़ रही है या घट रही है। तो देखो 3 के बाद 8 आ गया, 8 के बाद 13 आ गया, और यहां पर आते आते 253 हो गया। तो इसका मतलब एपी जरूर क्या हो रही है, बढ़ रही है। एपी जरूर क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया ना, इतने सारे ये बनाए। अब देखो इस टाइम पे बताओ, जल्दी बताओ क्या हो रहा है, लगातार ये बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जब मैंने यहां से गिनती शुरू किया, हाँ जी यहां से गिनती शुरू किया, तो अब देखना इसके हिसाब से पीछे, इसके हिसाब से ही देखो क्या होगा, कम होगा। तो बच्चों ये बात ध्यान रखना हमेशा कि जब अगर आप किसी एपी में चेक करना चाहते हो कि वो क्या चल रहा है, तो हमेशा उसमें दो चीजें चेक करो, एपी बढ़ती हुई चल रही है या घटती हुई। अगर मान लो ये ऐसे होता, 3, -8, -13 इस तरीके से होता, तो इसका मतलब एपी क्या हो रहा था, भाई एपी घट रहा था। लेकिन हमें ये चेक करना है कि एपी घट रहा है या एपी बढ़ रहा है। तो एपी बच्चों ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
चलो अब यहां पे लिखेंगे आफ्टर इंटरचेंज, इंटरचेंज आफ्टर इंटरचेंजिंग द एपी, ठीक है भाई, एपी को पलटने पर, पलटने पर, तो भैया एपी को जब आपने पलटा तो क्या, अभी मैंने क्या बताया, जो लास्ट में था वो कहां पर आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा, और जो शुरू में था वो कहां पर आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा, ठीक है, जो कहां था शुरू में, जो लास्ट में था वो शुरू में आ जाएगा, और जो शुरू में था वो कहां चला जाएगा, लास्ट में। अब मैंने क्या बताया था कि आप पहले ये चेक करो कि एपी घट रही है या बढ़ रही है, तो हमने देखा एपी बढ़ रही है, तो पलटने पे क्या हो जाएगी, घटेगी। अगर एपी यहां पर बढ़ रही है तो जब इसको इंटरचेंज कर देंगे, पलट देंगे, तो क्या होगा, घटने लगेगी, ये बात ध्यान रखना। और अगर मान लो यहां पे घट रही होती तो यहां पे क्या हो जाती, बढ़ने लग जाती, तो याद रखना ये बातें। तो बच्चों यहां पे हमने देखा एपी बढ़ रही है, कितनी कितनी बढ़ रही है, पांच पांच, फिर इस तरह इसका मतलब आगे पांच पांच यहां पे बच्चों बढ़ रही है, तो यहां पे क्या होगा, पांच पांच घटेगी, तो पांच घटाओ इसमें से 248 और पांच घटाओ इसमें से 243, इस तरीके से, ठीक। तो लो जी अब शुरू करते हैं, एपी पलट दी, बात खत्म। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, तो भाई फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद, हां जी, तो प्रथम पद अब क्या बन चुका है आपका 253। कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर, हां जी, तो सार्व अंतर डी A2 माइनस A1, A2 कितना बन चुका आपका 248, A1 कितना है आपका 253, माइनस करोगे 253 माइनस का 248 प्लस का, बड़े नंबर में छोटा नंबर, तो 5 तो रहेगा लेकिन क्या रहेगा, माइनस, तो D का वैल्यू माइनस। और ये बात तो मैंने अभी सिखा दी तुम्हें कि अगर यहां AP बढ़ रही है तो यहां AP घटेगी, तो D आ गया। और नाउ लास्ट टर्म, जल्दी बोलो लास्ट टर्म, अंतिम पद AN, अब अंतिम पद आपका क्या है, 3। Now, बस अब क्या निकालना है, 20th टर्म, 20वां पद, 20वां पद, तो 20वां पद क्या है, A20, और A20 क्या है, A प्लस में 19D, A कितना है, A है आपका 253, और 19D कितना है, माइनस का 5, तो 253 माइनस 95 सॉल्व करेंगे तो 158 आंसर, कितना आंसर आ गया, 158। जल्दी से करके दिखा दीजिए, चलो नोट कर लिया होगा आपने ये। चलिए अब जरा आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमें वर्ड प्रॉब्लम दिखाई देंगे, समझ में आ गया ना बच्चों, तो कैसे हम इंटरचेंज करके लास्ट टर्म से हम गिनती शुरू कर सकते हैं। तो चलिए अब आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 44, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एपी। चलो बच्चों अब की बार कंडीशन दे दी कि अगर मैं फोर्थ और एट्थ टर्म को आपस में ऐड करूं तो 24 आता है, और अगर सिक्स्थ और टेंथ टर्म को आपस में ऐड करूं तो 44 आता है, तो कह रहा बताओ एपी क्या है। अरे भाई एपी के लिए मुझे, मैंने क्या बताया, दो बेसिक चीज तो मुझे चाहिए ही चाहिए, क्या क्या चाहिए, ए और डी, वो तो मेरे को दिया ही नहीं, तो चलो ठीक है भैया लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, क्या मान लिया ए, माना एपी का प्रथम पद, हां जी, एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, हां जी एपी का कॉमन डिफरेंस क्या मान लेंगे, डी, तथा एपी का सार्व अंतर, एपी का सार्व अंतर। नाउ अब क्या रह गया, हां जी अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा जैसा क्वेश्चन बोले वैसा वैसा करो, कह रहा फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम 24 है, फोर्थ टर्म चौथा पद
एट्थ टर्म आठवां पद इनको जोड़ के 24 आ रहा है। तो चौथे टर्म का मतलब ए फोर, आठवें टर्म का मतलब ए आठ बराबर 24, ए फोर का मतलब ए प्लस में 3d, ए एट का मतलब ए प्लस में 7d बराबर 24, ए प्लस ए 2a, 7 + 3 10d बराबर 24। बच्चों इन दोनों में दो कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस में 5d। क्यों बचेगा बच्चों 5, क्योंकि 5 × 2 = 10 होता है, 5 × 2 = 10, दो कॉमन निकालेंगे 5 बचेगा। ये 2 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, काट देंगे 12, तो a प्लस 5d बराबर 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्यों इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ना हमारे पास a है ना हमारे पास d है। नाउ अब एक नई कंडीशन, क्या है नई कंडीशन, कि सिक्स और टेंथ टर्म का सम 44 है। सिक्स टर्म छठा पद, छठा पद और टेंथ टर्म दसवां पद, इनका सम कितना है भाई 44। तो सिक्स टर्म का मतलब ए सिक्स और टेंथ टर्म का मतलब ए टेन, 44। ए सिक्स का मतलब ए प्लस में 5d, ए टेन का मतलब ए प्लस में 9d, 44। हाँ जी ए ए 2a 9 5 14d बराबर 44, यहां से भी दो कॉमन आ रहा है, निकाल लेंगे a। हाँ भाई 14 क्या होता है 7 2 जा, तो 2 कॉमन निकल गया तो 7 बचा, ठीक है 44 44। भाई 2 यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, कैंसिल आउट 2 2, a प्लस में 7d बराबर 22, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना है, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो a प्लस में 5d बराबर 12, a प्लस में 27d बराबर 22। एलिमिनेशन मेथड हर बच्चे ने पढ़ रखा है, हमने क्या सीखा है कि भाई किसी भी एक वेरिएबल को बराबर करके चलो। तो यहां तो a पहले से ही बराबर है लेकिन साइन है सेम, और साइन सेम है तो उसको चेंज कर दो, कट गया। अब ये 7 प्लस का नहीं रहा, माइनस का हो गया, तो 7 में से 5 गया माइनस का 2d। अब ये 22 भी प्लस का नहीं रहा, माइनस का हो गया, 22 में से 12 गया माइनस 10, माइनस से माइनस कट गया 2d बराबर 10d। हाँ जी 2 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड 5, तो d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5। अब क्या करेंगे, पुट d इन इक्वेशन फर्स्ट, d का मान समीकरण 1 में रखने पे, किसी में भी रख लो मर्जी तुम्हारी, a प्लस 5d बराबर 12, a प्लस 5d की वैल्यू 5, 12। हाँ जी तो a 5 की वैल्यू 25, 12 प्लस का 25 उधर जाके क्या हो गया माइनस। अब बच्चों 25 में से 12 जाएगा, बड़ा नंबर 25 है, तो माइनस का 13। बच्चों a भी आ गया और d भी आ गया। अब निकालने के लिए क्या बोला उसने, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ap। नाउ तो आपको AP के पहले 3 टर्म निकालने हैं, A1, A2, A3। क्या आगे बताने की जरूरत है मुझे, नहीं कीजिए, नोट करो बच्चों। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 ये मिटा रहा हूं बच्चों मैं, क्वेश्चन नंबर 19 है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत मजा आएगा करने में, आर टीचर में सब ट्राई करना और मुझे डाउट भेजना।
लिखा है बच्चों, एक क्वेश्चन है, सुब्बा राव नाम का एक व्यक्ति है जो 1995 में उसकी सैलरी 5,000 रुपीज थी। कितनी सैलरी थी? 5,000 रुपीज। और वो हर साल, हर ईयर 200 रुपीज क्या करता है भाई, उसके इंक्रीमेंट होता है, मतलब 200 200 रुपए बढ़ता है। तो कह रहा बताओ कौन से ईयर में उसकी इनकम 7,000 हो जाएगी, कौन से ईयर में उसकी इनकम 7,000 हो जाएगी। हाँ भाई, सबसे पहले सुब्बा राव गेट्स इनकम, हाँ जी, सुब्बा राव प्राप्त करता है अपनी इनकम कितनी? 5,000 रुपीज। ठीक है, ये आपका ना फर्स्ट टर्म बन गया। सबसे पहले तो उसको 5,000 रुपए मिले, तो वही इसका फर्स्ट टर्म है भाई। सुब्बा राव आय प्राप्त करता है 5,000। सुब्बा राव गेट्स इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी, इन हिज सैलरी एवरी ईयर, इन एवरी ईयर। तो कितना बच्चों? 200 रुपए। ये क्या हो गया? डी, क्योंकि हर साल गैप सेम है, हर साल 200 बढ़ रहा है। ठीक है, सुब्बा राव, सुब्बा राव प्रत्येक वर्ष आय में वृद्धि प्राप्त करता है, आय में वृद्धि प्राप्त करता है 200 रुपए की, और लास्ट में उसकी इनकम 7,000 रुपए हो जाती है। मतलब लास्ट टर्म सुब्बा राव गेट्स इनकम आफ्टर सम ईयर, कुछ साल बाद वो 7,000 रुपए इनकम प्राप्त करता है। सुब्बा राव कुछ वर्षों बाद प्राप्त करता है, आय प्राप्त करता है, हाँ जी, आय प्राप्त करता है कितनी? 7,000। तो ये आपका क्या हो गया? लास्ट टर्म। अब हमें निकालना क्या है कि कितने साल बाद, कितने भाई, कौन से ईयर में, तो यानी एन निकालना है। तो यानी सो एन ए प्लस एन माइनस वन डी, ए एन 7,000, ए 5,000, एन वर्ष है, डी 200। हाँ भाई, 7,000 माइनस प्लस का 5,000 इधर आके माइनस 2,000, 200 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा? 2,0 2,0 कट गया, 2 से इसको काटेंगे 10, माइनस का 1 इधर आके प्लस, तो 11। यानी बच्चों 11 साल बाद इसकी सैलरी 7,000 रुपये हो जाएगी। 11 साल बाद इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 7,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, चलिए, ये आपने नोट कर लिया होगा बच्चों, सारी कंडीशन मैंने समझाई दी थी। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो, फिर आपका 5.2 खत्म हो जाएगा, फिर हम 5.3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या रामकली, देख लो बच्चों, 20th क्वेश्चन है, रामकली सेव 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। भाई क्या हुआ कि रामकली ने किसी साल के पहले हफ्ते में 5 रुपए जोड़े, ठीक है, 5 रुपए उसने किए, और उसके बाद वो हर हफ्ते 1.75 रुपीज जोड़ने लग गई। ठीक है,
तो बताओ उसकी सेविंग 20 रुपए 75 पैसे किस दिन हो जाएगी। चलो भाई, तो यार ये तो हो तो गया। ठीक है, रामकली ने सबसे पहले कितने जोड़े? 5 रुपए, ये बात लिखना वहां पे। ठीक है, और हर वीकली वो कितना सेव कर रही है? 1.75 रुपीज। और लास्ट में उसके पास कितने रुपए हो गए? 20.75। तो बस एन निकालना है, तो हो तो गया। ये बातें लिखना जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में लिखवाई है, सेम वही चीज है। ये प्लस की चीज इधर आके माइनस, तो ये 15.75 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड, 2 पॉइंट से 2 पॉइंट खिसक गए। 25 से करेंगे, 25 छिके, सॉरी 25 सत्ते 175, 25 छिके 25 तिया, ठीक है, 7 निम्न 63, तो 9 बराबर n-1, और ये इधर आके माइनस, ये प्लस बन जाएगा, तो n बराबर बच्चों 10। n कितना आ गया? 10, यानी 10 साल बाद, सॉरी 10 हफ्ते बाद, 10 हफ्ते बाद रामकली के पास 20 रुपए 75 पैसे हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो ऐसा करते हैं, 5.2 यही करा के ये खत्म करा दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में यानी कि बुधवार को मैं 5.3 शुरू करवाऊंगा, और जिसमें मैं आपको उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरी तरीके से कंप्लीट करा दूंगा। तो आज आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, 5.2 आपकी कंप्लीटली खत्म। आरडी शर्मा में से क्वेश्चन कीजिए, और जो भी आपका डाउट आता है आरडी शर्मा में से वो मुझे सेंड कीजिए। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।